नंबर दो, बीवी, दोस्त, रिश्तेदार, भाई, बहन, औलाद, हर एक में कमियां होंगी, शौहर कमियां होंगी। अगर एक दूसरे की कमियां देखें दुख होता है, एक दूसरे की कमियां देखें तो नाराजगी, दूरी पैदा होती है, इसमें यह कमी है, उसमें वो कमी है, उसमें वो कमी है। कमियों पर निगाह रखने से दिल में नफरत पैदा होती है और नफरत पैदा होने से ताल्लुकात खराब होते हैं, ताल्लुकात खराब होते हैं, दुख होता है, आदमी कुछ बोल देता है गुस्से में आके और बाद में पछताता है क्यों बोला। लेकिन शुरुआत कहां से होती है, किसी की कमी हम देखते हैं, समझाते हैं, बोलते हैं, फिर कभी कड़वा बोल देते हैं, कड़वा बोलते हैं, ताल्लुकात खराब होते हैं, फिर मनाते हैं उसको। मनाया क्यों, फिर बोलता ही नहीं तो मनाने की जरूरत ही नहीं पेश आती। कमियों पर निगाह रखने की बजाय खूबियों पर निगाह रखें। आपकी बीवी है, ठीक है, फुला चीज नहीं करती है, चाय ठीक नहीं बनाती, जैसे आपको एकदम इतनी शक्कर कम ऐसी चाय चाहिए, एकदम साइंटिस्ट वाली चाय चाहिए आपको एकदम, हाँ। लेकिन आपकी बीवी कभी शक्कर कर ज्यादा कर दी, कभी कम कर दी, कभी दूध कम कर दी, कभी कुछ कम कर दी, एक दिन चाय ढंग की नहीं बनाती है। जी तो करता है कभी नाश्ता घर पे करो ही नहीं, होटल पे ही करो, दिल तोड़ के और बेइज्जत करके न जाने क्या कुछ बोलता है, कभी सालन, कभी रोटी, कभी कुछ, बेचारी जैसा आता वैसा करती है, लाड़ प्यार में पली है, लेकिन आपके लिए कर रही ना हो। आप ये सोचो, आदमी सोचता है क्या सिखाया तेरे माँ बाप ने तुझको, एक रोटी नहीं बना सकती ढंग से, सालन ऐसा है कि देखो बकरी के सामने रखे वो भी नहीं खाएगी। अब आपने उसका दिल तोड़ के क्या मतलब, क्या मिला क्या आपको। कभी बीवी है शौहर का दिल तोड़ती है, फुलां को देखो आपके भाई कैसा लागे बीवी को, बच्चों को हार और क्या क्या देते हैं, आप फटे हुए कपड़े से ज्यादा आप कैसे हैं देखिए, ईद के कपड़े हैं ऐसा लग रहा है कि बेवा पहनी हुई है, बोलता आयजा समझ में मर गया। कमियां देखना, एक दूसरे की कमियां देखना, इससे ताल्लुक, जुबान गलत चलती है और जब जुबान गलत चलती है ताल्लुकात खराब होते। आप ये देखो कि माँ बाप के पास वो कभी बर्तनों को हाथ नहीं लगाई, घर में खादिम थे और खादी पीती घर की आई है, आपको दिया दीनदार देख के, आपके पास नहीं उतना, आप उतने नौकर नहीं रख सकते जितने उनके घर में थे, लेकिन आपके लिए जैसे भी चौकोर ही सही, रोटी बना रही ना, गोल नहीं बनाने आता उसको, नहीं भैया आपके जैसा ज्योमेट्री की टीचर नहीं है वो, गोल रोटी नहीं बनती आपके लिए, लेकिन वो बना रही है, सुबह उठती है, नमाज पढ़ती है, आपके लिए नाश्ता बना के लाती है, जैसी भी चाय आती है दवाई सही, दवाई की तरह बनाती ला के आपको देती तो है ना। आप ये मत देखो कि चाय कितनी कड़वी है और रोटी कैसी टेढ़ी मेढ़ी है, आप ये देखो कि उसने आपके लिए बना के लाई। अगर इस पर आदमी निगाह रखे बजाय उसकी नफरत पैदा होने की, उसकी क्या पैदा होगी, दिल में मोहब्बत। आपको और क्या चाहिए, आप ये देखो कि आप बीमार होते हो तो आपके सिराने बैठती है, ये आप नहीं देखे। आप ये देखो कि आप के बच्चों की परवरिश में वो सब करते, पेशाब पखाना आप नहीं धुलाते वो धुलाती है, खाना छोड़ के उठ के धुलाती, आप वो देखो, आप कुछ चीजें देखोगे उसमें कमियां, आपके दिल में नफरत पैदा होगी। बीवी ये देखें, ठीक है इसने कपड़े लाया ऐसे नहीं जैसे एकदम टॉप हो, लेकिन इसने इतनी मेहनत करके लाया, खुद के लिए नहीं लिया ईद के लिए कपड़े, मेरे लिए लाया, औरत ये देखे, बच्चों के लिए लाया, मेरे लिए लाया, और मैंने पूछा आपके कपड़े कहाँ हैं, तो कहा आ रहे हैं कपड़े, मिलेंगे इंशाल्लाह, लेकिन मिलेंगे कब, 2-3 महीनों बाद, अभी नहीं लेना मुझको, क्योंकि इतने सारे पैसे मेरे पास नहीं कि मैं सब के लिए करूं। औरत ये देखे कि जैसे भी लाया मेरे लिए लाया, इसकी ताकत के मुताबिक लाया, लेकिन खुद के लिए नहीं लाया इसने, और लाया ना, महरूम तो नहीं रखा। अगर एक दूसरे की खूबियां हम देखने लगें तो जिंदगी में मोहब्बत हर दिन बढ़ेगी।
लेकिन हमारी मुसीबत क्या है, इंसान की मुसीबत क्या है? एक आदमी आपकी दीवार का, साहब मैं फ्री में पेंट करूं, कर पूरी दीवार पेंट किया यहां से वहां तक, साहब कैसी है? आपको तो वहां रह गया है कि नहीं? आदमी क्या करता है, बोला साहब मैं इतनी फ्री में तुमको पेंट करके दिया, वो आप नहीं देखे, आप ये देखे उधर एक कोने में रह गया। ये इंसान की मुसीबत है। इंसान ये नहीं देखता कि क्या किया, ये देखता क्या नहीं किया, और यही सारी मुसीबत की जड़ है। खूबियां देखें एक दूसरे में, हर इंसान में खूबियां होती है, आप देखिए खूबियां देखिए, इससे मोहब्बत बढ़ेगी और टेंशन नहीं आएगा, टेंशन नहीं आएगा, खुशी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ऐसी बीवी दी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ऐसा शौहर दिया, खुशी होगी। तो कहा ला यफरक मुमिनु मुमिना इन करिहा मिनहा खुलुकन रदिया मिनहा आखर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कोई मोमिन मर्द किसी मोमिना औरत से नफरत न रखे, अगर उसकी कोई एक बात, एक चीज उसको पसंद नहीं होगी, एक खसलत उसको पसंद नहीं होगी, ऐसी खसलत कोई उसमें होगी जो उसको पसंद आ जाएगी, मतलब उसमें कुछ ऐसा होगा जो आपको पसंद नहीं आएगा, लेकिन कुछ ऐसा भी उसमें होगा जो आपको पसंद आएगा। ठीक है, बहुत खूबसूरत नहीं जैसा आपको चाहिए था, आप हो उससे कभी पूछा आपने तुझको कैसा शौहर चाहिए था? वो तो हिम्मत नहीं पूछने की, लेकिन आप उसको बताते हो ऐसे ऐसे रिश्ते आए थे मुझको, बेवकूफी किया मैंने तुझको, हाँ बोला, ऐसा बोल के आप उसका दिल तोड़ेंगे, वो भी दिल में बोलती है हाँ आपको सुनने नहीं आता, बस हाँ बोलती हो, उसको मालूम है क्या बोलना था, लेकिन बोलती जाने दो, कहाँ तो तीन गन मशीन इसके पास है, तलाक तलाक तलाक। बहुत सारी बातें औरतें बर्तनों की आवाज में बोलती हैं, बर्तन पटकेगी तो गुस्सा वहां निकालेगी अपना। तो ये जो चीज है, खूबियां देखें, उयूब नहीं। हाँ, दीनी ऐब अगर है, नमाज नहीं पढ़ती है, या ये शराब पीता है, हराम कमाता है, इसको नजरअंदाज नहीं करना है, लेकिन इसको भी कैसा, समझदारी के साथ, नरमी के साथ, अखलाक के साथ समझाना, ये भी चीज़।